Welcome students, in today's video our today's topic is subsidiary books, in which we will see general proper with example. देखिए अभी तक हमने जितनी भी सब्सिडरी बुक्स देखी है उन सब के बाद में जो सबसे लास्ट में आज हम देख रहे हैं वो जनरल प्रॉपर है। आज से पहले हमने जो सब्सिडरी बुक्स देखी थी जैसे मान लो कैश ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए कैश बुक होती है। हालांकि हमने अभी तक कैश बुक को डिस्कस नहीं करा है, बाकी सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं सब्सिडरी बुक्स के। तो कैश बुक का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। तो पर फिर भी इसके अंदर हम पहले ही थ्योरेटिकली बता चुके हैं कि कैश ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो कैश फॉर कैश ट्रांजेक्शन सारी कैश बुक में जाते हैं। फॉर क्रेडिट परचेज, अगर आपके सिर्फ परचेज है वो क्रेडिट है तो परचेज बुक में लिखनी होती है। अगर क्रेडिट सेल्स है सिर्फ तो वो आपको सेल्स बुक में लिखना होता है। अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न बुक में लिखना होता है। और क्रेडिट सेल्स रिटर्न है वो आपको सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होता है। यानी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इन बुक्स से रिलेटेड है तो वो इन्हीं पर्टिकुलर बुक्स में जाएंगे और किसी बुक में हम नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यही जनरल का सब डिविजन था। अब मान लीजिए इनके अलावा बाकी ट्रांजेक्शन है तो वो कौन सी बुक में लिखेंगे हम, वो फिर आप लिखते हैं रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। देखिए यानी जो ट्रांजेक्शन अगर कैश का नहीं है तो वो कैश बुक में नहीं आएगा, बाकी बुक्स में आएगा। पर वो मान लीजिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ध्यान रखिए कैश के सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगे। अब बाकी बचे नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो नॉन कैश जो भी ट्रांजेक्शन है, देखिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन में अगर वो क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में जाएगा, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में जाएगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में, और क्रेडिट सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में। यानी अब जो ट्रांजेक्शन इन पांचों बुक से रिलेटेड नहीं है, ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन इन पांचों बुक से रिलेटेड नहीं है ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन आपका जनरल प्रॉपर के लिए क्वालिफाई कर जाता है। यानी उस ट्रांजेक्शन को हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। तो देखिए जनरल इज दैट सब्सिडरी बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड of all those transactions which cannot be recorded in any other subsidiary books like cash book, purchase book, sales book, purchase returns book and sales return books, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। जो बाकी सभी subsidiary books में नहीं लिखे जाते हैं वो बचा हुआ transaction आपको automatically ही general proper में लिखना होता है। या ध्यान देना है subsidiary books के केस में हम इसको general proper बोलते हैं, proper word लगाना होता है, इससे पता चल जाता है कि और भी subsidiary books business के अंदर रखी जाती है। देखिए इट्स फॉर्मेट रूल्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस आर ऑन द सेम रूल एज वी हैव डिस्कस इन जनरल टॉपिक। देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है जनरल प्रॉपर का या रूल्स होता है या कैसे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे वो सब कुछ सेम है जो हम इससे पहले जनरल के जो हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने जनरल एंट्री करना सीखा था। तो वो के वही फॉर्मेट है, वो के वही रूल्स है, वैसे के वैसे एंट्री होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस हमने ये क्या कर लिया इसमें, पहले हम जब छोटा बिजनेस था तो जनरली रख रहे थे तो सारे ट्रांजेक्शन जनरल में रखते थे। अब हमने स्पेसिफिक कर दिया कि पांच बुक के जो ऊपर नाम लिखे मैंने वो पांच बुक के ट्रांजेक्शन पहले उसी बुक में चले जाते हैं, फिर जनरल प्रॉपर में नहीं लिखना होता। बाकी जो बच गए हैं वो सब एज इट इज जैसे पहले जनरल में कर रहे थे वो एज इट इज ही जनरल में आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये ध्यान दीजिए। यानी जनरल यहां पे थोड़ी छोटी बुक हो गई है, पहले जनरल ही होलसेल बुक थी जिसके अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन लिखते थे, लेकिन अब जनरल एक प्रॉपर बुक हो गई है कि हाँ जनरल से रिलेटेड ही लिखना है आपको, बाकी रेस्ट ट्रांजेक्शन तो आप बाकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में आप लिख रहे हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि देखिए जनरल में कौन कौन से ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली आते हैं। देखिए द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में हम लिखेंगे। देखिए पहला है जैसे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब है जो मैंने आपको बता चुका हूं जनरल वाले टॉपिक में कि जैसे ही बिजनेस 1 अप्रैल को रीस्टार्ट होता है तो लास्ट ईयर जो 31 मार्च को हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी उस बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उस एसेट्स और लाइबिलिटीज से ही हमें वापस 1 अप्रैल से बिजनेस को रीस्टार्ट करना होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है, बिजनेस तो वैसे ही अपने नॉर्मल फ्लो में चल रहा है। तो वो 31 मार्च वाले बैलेंस एक दिन बाद 1 अप्रैल को आपको वापस बिजनेस की बुक्स में लाने होते हैं, जिसे ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। ये एंट्री हम मैं जनरल प्रॉपर वाले जनरल वाले जो टॉपिक्स उसमें बता चुका हूं वो की वही एंट्री यहां पे, वो ओपनिंग एंट्री आपको अगर सब्सिडरी बुक्स रखते हैं तो जनरल प्रॉपर में करनी होती है। सेकंड है क्लोजिंग एंट्री। देखिए ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल को होती है, क्लोजिंग एंट्री हमेशा 31 मार्च को होती है। 31 मार्च को जब आप क्या करते हैं लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो जो अकाउंट्स होते हैं, कहने का मतलब जो आपके
कहने का मतलब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को आपको क्लोज करना होता है, जो इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं वहां कहां क्लोज करना होता है, वो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनके बैलेंसेज को। तो उनको ट्रांसफर करने के लिए 31 मार्च को जो एंट्री की जाती है वो आपकी क्लोजिंग एंट्री कहलाती है। तो ये आपकी क्लोजिंग एंट्री भी जनरल प्रॉपर में ही जाती है। थर्ड है देखिए ट्रांसफर एंट्री। देखिए कई बार क्या होता है किसी अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होता है, लास्ट में 31 मार्च तक उस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, एक छोटे अकाउंट को उसके मेन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। इसका सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो है जैसे आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखिए ड्रॉइंग्स और कैपिटल मालिक के अकाउंट है, 31 मार्च को ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है आपकी। तो ये ट्रांसफर एंट्री कहलाती है, ये आपको जनरल पेपर में करनी होती है। एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को जब ईयर क्लोज हो रहा है, देखिए कुछ एडजस्टमेंट भी करना होता है अमाउंट्स का, वो अमाउंट का एडजस्टमेंट जनरल प्रॉपर एंट्री के थ्रू ही होता है। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे देखिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है एसेट्स की वैल्यू कम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की रिलेटेड एंट्रीज करनी होती है हमें, अक्रूड इनकम एंड अनअक्रूड इनकम से रिलेटेड आपको एंट्रीज करनी होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मालिक को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो उसकी एंट्री, इस तरह से रिलेटेड जो एंट्री है वो लास्ट में आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती है, कि 31 मार्च को करनी होती है नॉर्मली। तो ये आपको जनरल प्रॉपर वाली बुक्स में ही दिखानी होती है। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए कई बार हम ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमसे कुछ गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, या तो हम ट्रांजेक्शन पूरी तरह से लिखना भूल जाते हैं, या ट्रांजेक्शन को हम गलत अमाउंट लिख देते हैं, गलत अमाउंट का मतलब कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया, या हमने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, हमने किसी अकाउंट के गलत साइड लिख दिया, टोटल निकालने में गलती कर दी, बैलेंस निकालने में गलती कर दी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी। तो ये सारी गलतियां जो होती है जब हमें पता चलती है तो इनको सही करने के लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है। इसका एक अलग से सेपरेट चैप्टर है क्लास 11th में, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी हम जब वो पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये रेक्टिफाइंग एंट्री भी अगर सब्सिडियरी बुक आप मेंटेन करते हैं जनरल प्रॉपर में आपको करनी होती है। मिसलेनियस एंट्री, देखिए ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी जो मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी एंट्रीज है जिनका कोई हेड नहीं है, मिसलेनियस में उनको डाला गया, सन्डरी एंट्रीज में डाला गया, अदर एंट्रीज आप इसको बोल सकते हो। कौन कौन सी एंट्रीज है जो कि आपको जनरल पेपर में ही करनी होती है, आइए बता देते हैं आपको वन बाय वन। देखिए जैसे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, अगर आप किसी एसेट्स को उधार में खरीदते हैं तो आपको उसको जनरल पेपर में दिखाना होता है। देखिए अगर आपने गुड्स उधार में खरीदा है तो परचेज बुक में जाता है, गुड्स आपने कैश में खरीदा है कैश बुक में जाता है, वैसे आपने एसेट्स अगर कैश में खरीदी है कैश बुक में जाएगी, लेकिन एसेट्स आपने उधार खरीदी है तो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो मैं पहले ही परचेज बुक वाले टॉपिक में बता चुका हूं। ये आपका किस में आता है, जनरल पेपर में आएगा, जनरल एंट्री करनी होगी आपको। उसी तरह से सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, देखिए जब उधार परचेज आपके जनरल पेपर में आ रही है तो उधार से ऑटोमेटिकली आपकी किस में आएगी, ये भी जनरल पेपर में आएगी आपकी। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, देखिए बैड डेट्स हो गया बिजनेस में, तो देखिए बैड डेट्स हो जाता है आपके, तो ये सिर्फ बैड डेट्स वाली एंट्री आपको जनरल प्रॉपर में दिखानी है। देखो आप सीधी सी बात चेक कर लीजिए, ना तो ये परचेज रिटर्न है, ना ये सेल्स रिटर्न है, ना ये परचेज है, ना ये सेल्स है, ना कैश का ट्रांजेक्शन है, तो जो ट्रांजेक्शन इन सारी बुक्स में नहीं आता है वो ऑटोमेटिकली जनरल प्रॉपर में आ गया। तो बैड डेट्स वाली एंट्री भी आपको जनरल प्रॉपर में करनी होती है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, देखिए ये बिजनेस का एक बहुत ही ज्यादा होने वाला एक्सपेंडिचर और एक तरीके का लॉस या इनकम है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम की तरह है, प्रॉफिट की तरह है। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड, मैंने जो नियम बताया था जनरल के अंदर कि कैश के साथ चिपक के चलता है, लेकिन सब्सिडियरी बुक है तो ध्यान दीजिए कैश वाली एंट्री तो कैश बुक में चली गई, बाकी जो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव बच गया वो आपको जनरल प्रॉपर में लिखना होता है। देखिए आपकी देखिए फिर उसके बाद में कुछ एंट्री, देखिए बिल्स रिसीवेबल रिसीव, बिल्स पेएबल इश्यूड, एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल टू ए क्रेडिटर, मतलब कोई बिल हम किसी और क्रेडिटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल बीआर डिसऑनर हो गया, या कैंसिलेशन ऑफ बीपी, ये सारी जो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल से रिलेटेड एंट्री है, देखिए इसका सेपरेट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में, तो इनसे रिलेटेड एंट्रीज भी उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको और ढंग से टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये एंट्री भी पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं तो जनरल प्रॉपर के अंदर ही आती है आपकी। बिल्स रिसीव, पेमेंट करना, एंडोर्समेंट करना, डिसऑनर करना या कैंसिल करने से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स है, देखिए ड्रॉइंग्स अगर आप कैश में करते हैं कैश बुक में जाएगा, पर ड्रॉइंग्स अगर आप गुड्स की कर रहे हैं तो ये आपको जनरल पेपर में लिखना होता है आपको। नेक्स्ट है गुड्स गिवन इन चैरिटी और फ्री सैंपल, देखिए गुड्स को अगर आप चैरिटी या फ्री सैंपल में भी दे रहे हैं आप तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपको जनरल प्रॉपर में ही दिखाना होता है आपको। तो देखिए इस तरह से ये आप देख चुके हैं कि
ये जो बहुत सारी एंट्रीज है, तो मैं अभी ए वन बाय वन एंट्रीज लूंगा, लेकिन मैं देखिए सारी एंट्रीज तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये सारी एंट्री जो है मैं ऑलमोस्ट दिखा चुका हूं, जो भी बोल्ड लेटर्स में आप देख रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज और बिल्स रिसीवेबल्स से रिलेटेड जो एंट्रीज आप बोल्ड लेटर्स में देख रहे हैं, कि कुछ हाईलाइटेड है, कुछ बोल्ड है, ध्यान देना ये सेपरेट चैप्टर है आगे, तो ये सारी एंट्री सेपरेट चैप्टर्स में आएगी। बाकी जो मैंने बोल्ड नहीं करा है, सिंपल दिखा, ये सारी एंट्री मैं जनरल वाले चैप्टर में बता चुका हूं, सारे वीडियो जिनसे रिलेटेड बन चुके हैं, चाहे वो परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट हो, सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट हो, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स हो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन इन चैरिटी और फ्री सैंपल, एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड अनअक्रूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ये सारी एंट्रीज मैं जनरल से रिलेटेड वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर भी मैं उनमें से कुछ कुछ एंट्रीज को ले रहा हूं, सारी तो नहीं ले पाऊंगा, बाकी जो ये जो बोल्ड लेटर्स में है, ये जब रेस्पेक्टिव चैप्टर आएगा तो वहां पे मैं इन एंट्रीज को डिस्कस करूंगा मैं। तो आइए कुछ एंट्रीज को आगे हम डिस्कस करेंगे। एक एंट्री और देख लीजिए, देखिए आप, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक और अदर एसेट्स बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट एटसेट्रा, ये भी एंट्री में पहले बता चुका हूं। देखिए, अगर आपका कोई स्टॉक का एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, जिसे मैंने नाम दिया था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, तो ये जो भी लॉस वाली एंट्रीज होती है और फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लेम सबमिट करते हैं, ये सारी एंट्रीज आपकी जनरल प्रॉपर का पार्ट होती है, ये भी मैं जनरल वाले टॉपिक में बता चुका हूं। तो इनमें से ही देखिए कुछ रिलेटेड एंट्रीज मैं भी ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता पड़ जाए कि जनरल प्रॉपर में किस तरह से हमें करना होता है। हालांकि ये सारी एंट्री वही है जो आपने जनरल में करी थी, कोई चेंजेस नहीं है, वो केवल रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल से मैंने एंट्रीज को समझ लेते हैं। देखिए जैसे है अगस्त 6, आरव हु ओवास 60,000 बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। देखिए बैड डेट्स वाली लाइन है ये आपकी, 60,000 रुपए हम आरव से मांगते हैं और वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, सिर्फ 30% ही हमें रिसीव हुआ है, यानी देखिए 30% रिसीव हुआ है तो वो तो कैश में रिसीव हुआ है, तो 70% क्या हुआ हमारा, डूब गया। तो ये जो डूबा है वही एंट्री आएगी, ध्यान रखिए पैसे मिलने की एंट्री तो कैश में चलेगी, तो डूबा कितना है उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए 60,000 का 70%, 42,000 हमारा बैड डेट्स हुआ है, कैसे हुआ है, 30% कुड भी रिकवर, 30% तो मिल गया, वो तो कैश में जाएगा आपके, बाकी जो 70% बचा वो आपका 42,000 है, वो बैड डेट्स है, उस बैड डेट्स की एंट्री जो आप करेंगे, देखिए फॉर्मेट हो गया है, तो ये बैड डेट्स देखिए आपका नुकसान होता है, डेबिट करेंगे टू आरव, ये आपके बैड डेट्स की एंट्री हो गई। देखिए वहां पे हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू आरव, वहां जब आप सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन नहीं करते तो यहाँ कैश भी आ जाता आपके, पर अब चूंकि आप सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो कैश वाला जो था अमाउंट 18,000 का वो कैश में चला गया, बाकी पोर्शन एजेटीज आ गया, बैड डेट्स डेबिट होना था, डेबिट किया टू आरव, आरव का अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, ये एंट्री इस तरह से हुई है। नेक्स्ट एंट्री मार्च 11, सॉरी मार्च का है ये, मार्च 11, एंड ओल्ड मशीन वाज सोल्ड टू अभिषेक फॉर रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। देखिए एक अभिषेक को पुरानी मशीन बेची थी उधार पे 40,000 में, देखिए उधार में बेची थी तो आपके पास से तो मशीन चली गई और अभिषेक को उधार में बेचा, अभिषेक डेबिट हो जाएगा टू मशीन अकाउंट, तो ये आपकी इस तरह से सेकंड एंट्री होगी। देखिए देखिए वही का वही रूल है, मशीन चली गई है तो टू मशीन हो गया, सेल्स नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि एसेट बेचा है हमने, तो मशीन क्रेडिट हो गई है, किसको बेचा उधारी में नाम लिख देते तो अभिषेक अकाउंट दिया 40,000 होगा आपके। थर्ड एंट्री देखिए, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीज 20,000, गुड्स रुपीज 6,000। देखिए मैंने जो बोल्ड करा इसका मतलब ये कि बोल्ड वाली ही एंट्री आएगी, क्योंकि जो कैश में विड्रॉ किया था वो कैश रूप में चला गया, तो देखिए यहाँ पे 6,000 आपने जो विड्रॉ किया वही एंट्री करेंगे हम, तो देखिए ड्रॉइंग्स डेबिट होता है और यहाँ पे टू परचेज होगा क्योंकि गुड्स के लिए हम परचेज क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी एंट्री प्रोप्राइटर विड्रू फॉर गुड्स रुपीज 6,000 वाली एंट्री होगी, ये कैश वाली हम एंट्री जनरल प्रॉपर में नहीं करेंगे, वो कैश रूप में जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिए आपके मार्च 16, गुड्स रुपीज 50,000 बाय डेस्टोर बाय फायर, तो देखिए वो आपके लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, क्योंकि लॉस बाय फायर अकाउंट खुलता है हमारा, गुड्स लॉस हो गया तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे टू परचेज अकाउंट 50,000, तो ये एंट्री हमारे मार्च 16 की हो गई है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हमें एंट्री करनी होती है, अगर कोई कैश का पोर्शन आता है तो वो हमें छोड़ देना होता है, वो कैश में जाएगा, बाकी हमें एजेंट रखना होता है। आइए कुछ और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 35,000 ओनली। देखिए अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है वो उसमें 35,000 का ही सबमिट कर क्लेम को क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 का इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट करा है, तो आइए देखिए क्लेम एडमिट करा है तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं हमें 35,000 टू लॉस बाय फायर 35,000। देखिए अब 35,000 रुपए लॉस बाय फायर का हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 35,000 टू लॉस बाय फायर 35,000 और ये आपकी नरेशन हो जाएगी फिर आपकी। ये इस तरह से हमारी मार्च 21 की एंट्री हुई है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2020 रुपीज 10,000। देखिए आउटस्टैंडिंग में मैंने बताया था वही अकाउंट डेबिट होता है वही अकाउंट क्रेडिट होता है,
तो देखिए वेजेस 10,000 डेबिट, और देखिए वेजेस का वेजेस क्रेडिट हुआ, लेकिन वेजेस के आगे आपको आउटस्टैंडिंग में लगा देना, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये हमारी इस तरह से वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री हुई, ये सारी वही एंट्री है जो हमने जनरल वाले टॉपिक में हमने करी थी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर वाज 33,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होता है। देखिए आपके प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री हो गई। देखिए वो की वो चीज डेबिट है, वो की वो चीज क्रेडिट है, प्रीपेड डेबिट होता है, प्रीपेड लगा दिया आपने। आगे नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमर रुपीज 10,000, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 400। देखिए अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो तो हम कैश रूप में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड आपका नुकसान है तो डेबिट करेंगे आप, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया टू अमर अकाउंट 400, इस तरह से हमारे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। तो देखिए ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिए हैं, मैं सारे ट्रांजेक्शन तो नहीं ले पाया क्योंकि मैंने बताया था जो बोल्ड वाले हैं वो तो मैं रेस्पेक्टिव चैप्टर में बताऊंगा आपको, और बाकी जो सिंपल थे उनमें से मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए एंट्रीज फॉर्मेट रूल्स नरेशन सब कुछ सेम टू सेम है, वो वैसे ही करना होता है, बस यहाँ पे जनरल प्रॉपर वर्ड हम यूज करते हैं, प्रॉपर वर्ड लगाने से हमें पता पड़ जाता है कि सब्सिडियरी बुक्स का मैटर है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।